मैं जो आपसे बात कह रहा हूं कि लगातार इस यात्रा को लेके ऐसे पेश किया जा रहा है कि ये यात्रा ही राजनीतिक गठबंधन तय करेगी, ये यात्रा ही स्वतंत्रता संग्राम, अंतिम स्वतंत्रता संग्राम है भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। अरे ये राजनीतिक यात्रा कांग्रेस का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है, हर दल अपना प्रोग्राम चलाता है, हम भी अपना प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, अभी हमारा भी लॉन्च होना है, अपना तृणमूल भी अपना करेगी, तो प्रोग्राम लोग अपने अपने करेंगे, करते रहेंगे। जब राजनीतिक गठबंधन बनाने के दृष्टिकोण से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई बड़ा नेता सबको बिठाने की कोशिश करेगा, बात करेगा, वो एक अलग पहलू होगा। इस यात्रा में पार्टिसिपेट करने से गठबंधन होगा कि नहीं होगा, कौन किसके साथ रहेगा, ये आकलन करना बिल्कुल प्रीमैच्योर है, गलत है, और इसको उस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। नहीं, विपक्ष एकजुट होगा कि नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम ये सवाल तो सबसे अहम सवाल है 2024 के लिहाज से। उदयवीर भाई जी, विपक्ष लामबंद हो पाएगा, एकजुट हो पाएगा या नहीं बीजेपी को टक्कर देने के लिए, ये तो सबसे अहम सवाल है 2024 के लिहाज से। हमने आपने स्पष्ट कहा, इससे पहले भी कभी हम समाजवादी पार्टी विपक्षी एकता में बाधा नहीं बनी, हम अभी भी कोई बाधा नहीं है, लेकिन हर राज्य को और हर दल को अपनी सुविधा से लड़ने देने के हम पक्ष में हैं। आइदर और की पॉलिटिक्स नहीं चाहते जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, हमको, हम सब इस बात पे कटिबद्ध हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, लेकिन किस मोड से, किस तरीके से लड़ा जाएगा, किसका किससे गठबंधन होगा, किसकी पॉलिटिकल स्पेस देने से हमको एक दल के रूप में सुविधाएं हराने में किस में नहीं है, ये हमारी लीडरशिप तय करेगी रणनीति के हिसाब से, आकलन के हिसाब से, लोगों के फीडबैक के हिसाब से। आपने जब कांग्रेस के लोग इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस, आपने आइदर और शब्द का इस्तेमाल किया, आइदर और, ये बीजेपी कर रही है, पर क्या विपक्षी खेमे पर भी ये लागू होता है? क्योंकि कुछ दिनों पहले आपके नेता, आपके अध्यक्ष अखिलेश पाए गए खम्मम में, तेलंगाना में, के चंद्रशेखर राव के न्योते पर वहां गए, साथ में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान भी थे, पिनराई विजयन भी थे। तो ये क्या गैर कांग्रेस गैर भाजपा गठबंधन की वानगी भी हम देख रहे हैं? मतलब विपक्ष में भी आइदर और हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग गए थे या जिनके कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, ये वैचारिक रूप से एक बड़ा दल है इस देश के अंदर। थर्ड फ्रंट की पॉलिटिक्स के बहुत सारे राज्यों में दल हैं जो आइडियोलॉजिकली हमेशा एक साथ रहे हैं। गठबंधन की बात जब होती है, जब हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस किसी से होते हैं और हम उनमें से कुछ जो हमारे बीच में असहमतियाँ होती हैं उन्हें किनारे करके आते हैं। हमारी रीजनल पार्टी इससे स्वाभाविक दोस्ती है, उनसे हमारा कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, लेकिन जो सेंटर की पार्टियाँ हैं उनसे हमारे इश्यूज रहे हैं। जातिगत जनगणना पे हमारा विषय रहा है, कांग्रेस से भी, भारतीय जनता पार्टी से भी, पिछड़ों के आरक्षण पे जो बातें उठी उन पे हमारी सवाल रहे, मध्य प्रदेश में जो हुआ उस पे हमारे दोनों के बीच में सवाल हैं, तो हमारे रीजनल पार्टी से कोई सवाल नहीं है। तो थर्ड फ्रंट एक हकीकत, एक हकीकत बन सकता है सवाल, इसलिए उदयवीर भाई की नीतीश कुमार कोई थर्ड फ्रंट वगैरह नहीं, एक मेन फ्रंट होगा, बात होगी, एक मेन फ्रंट होगा अपोजिशन का, या थर्ड फ्रंट भी हकीकत हो सकती है जी। नीतीश कुमार कहते हैं कि कोई थर्ड फ्रंट वगैरह नहीं, मेन फ्रंट होगा, पर थर्ड फ्रंट की जो आप बात कह रहे हैं, क्या वो भी एक हकीकत हो सकती है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, एक बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन, एक कांग्रेस की अगुवाई वाला और एक थर्ड फ्रंट? जी जी, देखिए बहुत जगह ऐसी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ भी नहीं रहती हैं और बीजेपी के साथ भी नहीं रह पाती, उनकी अपनी स्टेट की अलग पॉलिटिक्स है। हमारा मानना है कि आप किसी को कॉर्नर करके ये मत कहिए कि आपको एसेंशियली बीजेपी के साथ जाना ही जाना है। जो कांग्रेस के साथ आना चाहता है आ सकता है, और जो अपने तरीके से लड़ना चाह रहा है भाजपा में नहीं जा सकता, आप उसे क्यों फोर्स करते हैं? तो आप ही के बड़े नेता उदयवीर भाई, उदयवीर भाई वैचारिक रूप से इस देश में रहे हैं, वो रहेंगे, और वो कितनी असहमतियों को दूर कर सकते हैं राष्ट्रीय पार्टियों से, वो उन दोनों के कॉमन मिनी प्रोग्राम पर रहेंगे। एक बड़े ग्रुप है समाजवादी पार्टी सहित जो सपने में भी भाजपा के साथ नहीं जा सकता,
वो समय पे कांग्रेस की मदद लेता है। तो आपके बड़े नेता, बड़े विचारक जिनकी आप लगातार दुहाई देते हैं, उनको याद करते हैं, राम मनोहर लोहिया और उनके सहयोगी हुआ करते थे पीलू मोदी, उनका एक फेमस वाक्य है, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर।